आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बिल्कुल 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 भाजपा के नए नारे मैं भी हूँ चौकीदार की पूरी हवा ही निकल गई। कुछ ही घंटे ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद ही मोदी जी का ये जुमला औंधे मुँह गिर गया। मैं भी हूँ चौकीदार नारे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अभियान को पंक्चर करने में लगी प्रियंका ने कहा, चौकीदार किसानों के नहीं अमीरों के हुआ करते हैं। उधर भाजपा के सबसे बड़े नेता ने भी चौकीदार बनने से साफ इनकार कर दिया। बड़बोलेपन के लिए मशहूर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं चौकीदार नहीं बन सकता, मैं तो चौकीदार नहीं बन सकता। जी हाँ, राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के नारे से घबराई भाजपा ने मैं भी हूँ चौकीदार कैंपेन चलाकर वोट बटोरने का एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की। जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने मैं भी हूँ चौकीदार का एक नया जुमला गढ़ दिया, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जुमला औंधे मुँह गिर गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा के मैं भी हूँ चौकीदार नारे की हवा निकालते हुए कहा कि चौकीदार तो किसानों के नहीं अमीरों के हुआ करते हैं। प्रियंका के इस बयान से अब भाजपा में जबरदस्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने नए कैंपेन मैं भी हूँ चौकीदार के लिए अपना नाम भी बदल लिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के कुछ नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। मोदी का नाम अब ट्विटर पर चौकीदार नरेंद्र मोदी हो चुका है। उधर भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी ही पार्टी के नए जुमले की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के बयानवीर सुब्रमण्यम स्वामी खुद मोदी और शाह के चुनावी अभियान को पंक्चर करते नजर आए। मोदी शाह को आईना दिखाते हुए स्वामी ने कहा कि मैं चौकीदार नहीं बन सकता। एक बार फिर से सुनिए बयानवीर सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान। मैं तो चौकीदार नहीं बन सकता। तो सुना आपने, स्वामी का कहना है कि वो चौकीदार नहीं बन सकते। अब जब भाजपा के नेता खुद ही चौकीदार बनने के लिए तैयार न हो तो देश की जनता कैसे चौकीदार बन जाए। जनता तो अब खुद कंफ्यूज है कि वो पकोड़े तलकर रोजगार कमाएं या चौकीदार बनकर। लोग ये भी बोल रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि आप सभी चौकीदार हो, लेकिन ये तो बता दो कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भागे उस वक्त ड्यूटी पर कौन सा चौकीदार था। वहीं मैं भी हूँ चौकीदार के नाम से नया जुमला गढ़ते हुए प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, चौकीदार नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को अपने ट्विटर पर टैग किया, तो इसमें भी चौकीदार साहब एक बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी के पैराडी अकाउंट को भी टैग कर दिया और साथ में लिखा, प्रिय नीरव मोदी, आपके सहयोग से हमारे अभियान को मजबूती मिली है। जवाब में नीरव मोदी ने भी पूछ लिया, क्या आप मेरा लोन माफ कर देंगे। फिर किया था, लोगों ने इस ट्वीट को लेकर प्रधान सेवक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रोल होने के बाद फौरन ही मोदी के अकाउंट से इस ऑटो ट्वीट को हटा लिया गया। उधर राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए उस पर लिखा है, रक्षात्मक ट्वीट मिस्टर मोदी, आज आपको अपराध बोध हो रहा है। राहुल ने अपने ट्विटर पर जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कई करीबी दोस्त शामिल हैं। इसमें बैंक घोटाला कर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, मोदी के प्यारे मेहुल भाई चौकसी और विजय माल्या की तस्वीर है। इस तस्वीर में बड़े बाबा की कृपा से अभी अभी देश के 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले गौतम अदानी और राफेल वाले बाबा अनिल अंबानी भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया है। लेकिन जैसे ही मीटू में फंसे भाजपा नेता एम जे अकबर ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। रेणुका ने तंज भरा जवाब देते हुए लिखा, अगर आप भी चौकीदार हैं तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं।
इसके बाद एमजे अकबर ने भी खुद को इस जुमलेबाजी के अभियान से अलग कर लिया और अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द हटा लिया। वहीं पिछले कई सालों से दिल्ली से लापता नजीब की मां ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर कहा है कि अगर आप चौकीदार हैं तो बताइए मेरा बेटा कहां है। कांग्रेस के राशिद अलवी ने कहा है कि चौकीदार चोर है, तभी तो आतंकी हमारी सीमा में घुसकर हमारे जवानों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अपना नाम बदलकर भारतीय चौकीदार पार्टी रख लेना चाहिए। उधर देश का युवा भी प्रधानमंत्री से पूछ रहा है ये कैसा चौकीदार है जो अपने ऑफिस में रखी राफेल की फाइलों की चौकीदारी भी सही से न कर सका। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 2014 में चाय वाला शब्द को भुना कर सत्ता में आई भाजपा मैं भी हूँ चौकीदार के जुमले के जरिए दोबारा सत्ता में आ पाएगी, या देश की जनता मैं भी हूँ समझदार कहकर भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। हाँ, हम चोर है, मैं हूँ चौकीदार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन